नमस्कार, जय हिंद। एक और छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। सूचना या कहें नोटिफिकेशन या कहें इन्फॉर्मेशन या कहें न्यूज़ आई है 21 मई 2021 को रात्रि 8 बजे, जिस न्यूज़पेपर या वेबसाइट पोर्टल पर आई है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरी खबर को डिटेल से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जिसको यहाँ मेरे वीडियो में खबर को, सूचना को, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना समझना हो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप या आपके बच्चे या आपके फ्रेंड या आपके कज़न या आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं गुजरात विश्वविद्यालय में या गुजरात के किसी भी विश्वविद्यालय में और उनकी परीक्षाएं होनी है, तो उसको लेकर आई है छोटी सी अपडेट और बहुत बड़ी न्यूज़ है। लाखों विद्यार्थी होंगे प्रभावित। वीडियो के अंतर्गत जो टैगलाइन आप देख रहे हैं उससे समझ गए हैं खबर किस बारे में है। बोर्ड के बाद अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रद्द, 10 लाख से अधिक स्टूडेंट होंगे प्रमोट। लेकिन सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों पर ये बात लागू नहीं होगी। किन किन विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी जिस पर यह खबर लागू नहीं होगी, उसकी बात मैं आगे करूंगा। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेडिकल या पैरामेडिकल के बच्चों पर ये बातें लागू होंगी या उनको भी प्रमोट कर दिया गया है या उनके लिए कोई अलग से एग्ज़ामिनेशन की या मार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूरी खबर को देखते रहिए। और साथ ही साथ स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और कौन कौन सी क्लासेस की स्कूल और बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है उसकी भी बातचीत इसी वीडियो में आगे की जाएगी। तो वीडियो को अपनी समझ, बुद्धि और विवेक के अनुसार देखिएगा। समस्या, सवाल और कुछ सुझाव हो मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। 21 मई 2021 कल रात्रि की खबर है, खबर आपके समक्ष है। वो गुजरात के जो CM साहब हैं उनका नाम आपके समक्ष है, CM विजय रूपाणी जी। उनका ये आदेश है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से इस खबर को पब्लिक किया है। उस ट्विटर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी खबर को लेकर चलते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कोरोना के कारण कोविड की जो सेकेंड लहर है थमने का नाम नहीं ले रही है, तो इसी के चलते हुए स्कूल और बोर्ड के एग्ज़ाम को रद्द किया जा चुका है। उसका आदेश भी वेबसाइट पर आ चुका है, बहुत से स्कूल्स की वेबसाइट पर, यदि गुजरात से संबंध रखते हैं। लेकिन कल जो फैसला लिया गया है वह आया है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को लेकर, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को लेकर, जिसमें कौन कौन से सेमेस्टर के बच्चों पर ये बात लागू होगी वह मैं आपको आगे बताऊँगा। क्या केवल 6th सेमेस्टर के बच्चों को या 3rd ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया है या किसी और स्ट्रीम के बच्चों को प्रमोट किया गया है, वह खबर आगे मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ये खबर दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग 4th यानी कि 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का आदेश दिया गया है, बिना परीक्षा के। अब आपके मन में सवाल होगा कि बिना परीक्षा के यदि प्रमोट करेंगे तो आधार क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा। उसके नीचे भी लिखा है कि पिछली परीक्षाओं में प्राप्त मेरिट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, यानी कि जो भी आपके पहले सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में या 5वें सेमेस्टर में अंक आए होंगे या रहे होंगे उसी के आधार पर औसतन आपको अंक दिए जाएंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। मार्कशीट को लेकर क्या दिशा निर्देश हो उसकी बात भी आगे करूँगा, इस वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए, किन किन स्टूडेंट्स या स्ट्रीम पर ये नियम लागू नहीं होगा, स्पष्ट कहा गया है। हालांकि यह निर्णय मेडिकल और पैरामेडिकल पर लागू नहीं होगा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स पर यह प्रमोट वाला निर्णय लागू नहीं होगा। अभी का मामला चल रहा है, उस पर और छानबीन होनी बाकी है और फैसला लिया जाएगा। इसी खबर में आगे भी देखिए, ये CM साहब का ट्विटर हैंडल अकाउंट है, ये इनका ट्वीट है, आप इस पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ओरिजिनल ट्वीट। ये तो फोटो है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पढ़ सकते हैं। कल का डेट और टाइमिंग भी है, कब ट्वीट किया गया है। अब देखिए इसमें कहा गया है, स्कूल को लेकर भी कहा गया है कि इस खबर से पहले 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का आदेश दिया जा चुका है, फैसला भी लिया जा चुका है। साथ ही साथ 9वीं 10वीं 11वीं के विद्यार्थियों को 10 अंक के ग्रेड के आधार पर उनको मार्क्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ मार्कशीट को लेकर, मार्कशीट पर लिखा होगा कि कोविड के कारण परीक्षाएं नहीं हुई थी। क्या लिखा होगा? कोविड के कारण परीक्षाएं नहीं हुई थी, इसीलिए इन विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला गुजरात सरकार ने लिया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा,
कैसी लगी सूचना, कैसी लगी खबर कमेंट करके बताइएगी। ये सूचना थी छोटी सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर प्रमोट के सिलसिले में। कोई मन में सवाल शंका हो तो पूछिएगा, सूचनाओं को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अपनी बुद्धि समझ और विवेक के अनुसार कीजिएगा। मेरे कहने पर, किसी के कहने पर ना ही मेरे चैनल पर आया करिए, ना ही इन्फॉर्मेशन लीजिए। आपको लगता है सूचनाएँ मिलती हैं और सूचनाओं के साथ साथ इन्फॉर्मेशन प्लस नॉलेज मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सवाल ज़रूर पूछिएगा। सवाल करेंगे तो सीखेंगे और जब सीखेंगे तभी आप जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।